गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ स्काई डाइव दुबई में, और आज हम लोग जा रहे हैं स्काई डाइविंग करने। तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। चलो पहले तो अंदर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे आते हैं, कितने का होता है, क्या प्रोसेस है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पाम जुमेरा के पास में ही है ये पूरा एरिया, और ये स्काई डाइव दुबई। खैर चलो पहले अंदर चलते हैं, बाकी मैं आपको सब आगे का प्रोसेस आगे बताता हूँ। तो हम यहाँ पर आए, अभी 10-15 मिनट हुआ है आए, और आने के बाद हम लोग को यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आने के लिए टिकट्स तो बुक करना ही होता है, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जहाँ पे आपको अपने डिटेल्स, यानी कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स भरने होते हैं। उसके साथ ही नॉमिनी डिटेल्स भरना होता है और उनका एड्रेस देना होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना होता है। तो ये एक फॉर्म है जो आप टिकट्स बुक करने के बाद आपको जिसकी लिंक आती है। तो बेटर तो यही रहेगा कि आप पहले से इसको भर के आएँ। तो हम भी पहले से भर के आए थे, तो हमने बोला कि हमारा सब कुछ रेडी है। तो उन्होंने हमको बोला कि आप जाइए काउंटर में, काउंटर में बस हमने अपना पासपोर्ट दिया और उन्होंने हमको अभी ये बज़र दिया हुआ, तो उन्होंने बस हमारा रजिस्ट्रेशन किया और पूछा कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन चाहिए क्या, एक्स्ट्रा सेल्फी कैमरा या एक्स्ट्रा हैंड कैमरा। तो हमने बोला नहीं, हमको बस नॉर्मल वीडियो तो मिलेगा ना, तो उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगा, तो बस हमको नॉर्मल वीडियो मिलेगा, उसी के लिए हमने ऑप्ट इन भी किया था। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं हमारा बज़र बजने का, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, उसके बाद हमको हमारे ट्रेनर से मुलाकात होगी और वो हमको सारे इंस्ट्रक्शंस देगा। और एक लॉकर रूम है जहाँ पे हम अपने सारे बैग्स, पासपोर्ट एंड वाटर बॉटल्स ये सब रख सकते हैं, कैमरे वगैरह रख सकते हैं। तो बस यही है, अभी तो फ़िलहाल वेट कर रहे हैं, देखते हैं आगे कितने देर में बज़र बजता है। और बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इसका प्राइस, तो इसका प्राइस करीब करीब 60,000 से 65,000 के आसपास पड़ता है। मैंने इंटरनेट में 2-3 दिन बहुत सारी जगह ढूंढा, सस्ते से सस्ते में बुक करने की कोशिश की, तो मुझे ये फाइनली पड़ा 53,000 पर पर्सन के हिसाब से। और मैंने इसको बुक किया हेड आउट से, ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ से बुक किया, आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी कर लीजिए। और इसमें इंक्लूडेड है फ़ोटोज़ एंड वीडियो। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि कल या परसों तक हमारी ईमेल आईडी में वो भेज देंगे। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो मैंने बुक किया था, अगर आपको दिख रहा है तो ये मैंने 53,187 में टोटल मैंने इसको बुक किया, ये एक्सपीरियंस को। और बात करें कि यहाँ पहुँचते कैसे हैं, तो ये पाम जुमेरा के एकदम बगल में है। तो हम तो मेट्रो से आए, मेट्रो से आप आ सकते हो दुबई इंटरनेट सिटी तक, ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बस का बिल्कुल आइडिया नहीं है यहाँ पर। तो मेट्रो से आना थोड़ा आई थिंक बेटर है, तो आप मेट्रो से आ सकते हो दुबई इंटरनेट सिटी तक, और वहाँ से आप कैब बुक कर सकते हो। तो मैंने भी वही किया, तो मेट्रो स्टेशन से फिर हमने करीम बुक की हाला टैक्सी, हमको 30 दिरहम लग गया, तो वही 20 से 30 दिरहम के आसपास लगता है। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे पहुँचने का। जब तक आप वेट कर रहे हो तब तक यहाँ पर ये वेटिंग एरिया है फर्स्ट फ्लोर में, आप अंदर भी बैठ सकते हो इसी में, नहीं तो बाहर भी, और व्यूज़ का नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है यहाँ से, व्यूज़ बहुत अच्छा आता है। तो बस कुछ ऐसा ही है यार, चलो वेट करते हैं और जब आता है नंबर तो मैं आप लोग को बताता हूँ। काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होने वाला है ये, तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और लोगों को देख कर, यहाँ पर काफ़ी लोग लैंड कर रहे हैं तो उनको देख कर भी काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। वहाँ से सब लोग लैंड करके आते हैं और यहाँ पर उतरते हैं, तो कुछ ऐसा है। Hello. Welcome to Skydive Dubai. Thank you so much. Are you here to do your first jump? Yeah, it's my first jump today. How are you feeling, dude? I'm feeling very excited. Oh, you ready to jump out of the plane? I'm very much ready to jump. Do you want to leave a message before we do? Yeah, I mean, enjoy your life and stay happy. Jai Hind. Cool, let's do it. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility.
Cause I can fly. I can fly. I can fly. I can fly. I did it finally. What do you think? I mean, it's a lifetime experience, and I would recommend everyone to do it at least once in their life. I'm gonna come back here again. Definitely. Oh man. Well, thanks for jumping. We'll see you next time. So we are just done with the skydiving और बहुत ही अच्छा experience था. Definitely worth trying है. और बाकी अगर आप nervous नहीं हो तो बहुत ही आसान है. कुछ लगता ही नहीं है. कोई भी कर सकता है. कुछ भी नहीं होता है. You just need confidence, nothing else. बहुत लोग का आपने सुना होगा कि वो लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं जो first जो jump रहता है एक minute का free fall वो अच्छा होता है. But I would say पूरा experience अच्छा होता है. Starting से लेके end तक आपका वो लोग video recording करते हैं. And it's very easy. और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. अगर आप मॉर्निंग स्लॉट लियो तब तो बहुत ही आसानी से हो जाता है. सब लोग काफ़ी फ्रेंडली भी हैं और ज़्यादा टाइम लगा नहीं यार. हम यहाँ 8 बजे पहुँचे थे और अभी टाइम हो रहा है 10:05 हो रहा है. तो 2 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया. बाकी ट्रेनिंग वगैरह की बात करें तो 5 मिनट भी नहीं लगता. वो लोग बस बताते हैं ऐसा ऐसा करना. और इंस्ट्रक्टर लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं. जो मेरा इंस्ट्रक्टर था वो 11 साल का, उसको एक्सपीरियंस था और उसका आज का 4th जंप था. ये लोग दिन के 5 जंप करते हैं पर इंस्ट्रक्टर. बस आई वुड से कि जब आप आओ तो अपने साथ कुछ ऐसा प्रोटीन बार वगैरह लेकर आओ, ताकि आप कभी जब उतरते हो ना तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि आप एकदम फ्री फॉल किए होते हो. तो उसके लिए पानी वगैरह, पानी तो खैर यहाँ आपको मिल जाएगा, ग्लासेस हैं, डिस्पेंसर हैं, पर कुछ प्रोटीन बार वगैरह लेकर आइए ताकि आप को थोड़ा बेटर लगे. यहाँ एसी में थोड़ा देर चिल करो, उसके बाद ही आई वुड से कि 30 मिनट के बाद यहाँ से निकलना. बाकी कुछ भी नहीं होता है, बहुत नॉर्मल है. मैंने स्काई डाइविंग की और मेरे भाई ने भी स्काई डाइविंग की, तो चलो उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा था. हाय, तो यार इनिशियली तो मैं थोड़ा स्केयर्ड था, मेरी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ गई थी. बट उस हाइट पे गए थे तो लाइक इंस्ट्रक्टर वाज वेरी यू नो, वो काफ़ी काम था. बस निकल गया वो पल, एक मिनट पता नहीं चला इमीडिएटली. एंड द सेकंड सीन वाज जब वो उसने पैराशूट खोला एंड वी हैंग, और उसके बाद फिर वो जो सीन था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा हाँ लाइक कान दर्द कर रहा था. मेरा अभी कान दर्द कर रहा है. एक्सपीरियंस अच्छा था बट हेल्थ वाइज बोलूँ तो मेरा कान बहुत दुख रहा है अभी. अभी तो नहीं दुख रहा, बट यस उस टाइम जब व्हेन वी लैंडेड उस टाइम कान दुख रहा था, बट बाकी एवरीथिंग एल्स वाज वेरी गुड. तो यार बस ऐसे ही है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सब लोग अच्छे ही थे. टोटल हमारे क्रू में 5-6 लोग थे, और ट्रेनर्स की बात करी जाए तो 10 ट्रेनर्स थे, क्योंकि आपके साथ एक वीडियोग्राफर कूदता है और आपका ट्रेनर कूदता है और 2 लोग और ऊपर से आपके ऊपर यू नो देखते रहते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट. बाकी अगर आपको और भी कुछ सस्ता ऑप्शन पता चले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगा. तो अगर मुझे भी आपके कमेंट से हेल्प हो सके और कम्युनिटी को हेल्प हो सके तो बहुत अच्छी बात है. और यहाँ पे स्काई डाइविंग के अलावा जायरोकॉप्टर फ्लाइट का भी ऑप्शन है, तो मैं भी देख रहा था यहाँ पे लैंड हो रहा था. मैं साइड में उसका फ़ोटो लगा दूंगा वो कैसा दिखता है. और आई थिंक वो 30-35 हज़ार का पड़ता है, आई एम नॉट श्योर कैसा है. पर वो भी अगर आपको स्काई डाइविंग करने में अगर बहुत ही मतलब एजिटेशन हो रहा है या कोई अगर ओल्ड एज का है तो वो भी ट्राई कर सकता है. ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप उनकी वेबसाइट पे भी जाकर पता कर सकते हो और क्या क्या एक्टिविटीज़ अवेलेबल है. बट स्काई डाइविंग के अलावा और भी 1-2 एक्टिविटीज़ हैं. ऑल्सो ये जो स्काई डाइविंग की बात कर रहे हैं, ये जो मैंने किया ये था पाम व्यू के साथ था, पाम के ऊपर जो किया, जो दुबई पाम है. इसका एक और ऑप्शन है, आप इसको डेजर्ट्स के भी ऊपर कर सकते हो, जो मतलब रेगिस्तान है दुबई का. उसका प्राइस काफ़ी कम है, आई वुड से 30-40% कम है. आप उसका भी प्राइस ऑनलाइन चेक कर सकते हो.
आई थिंक वो भी 30-35-32 हज़ार का पड़ता होगा डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद। तो बस यही है यार। तो यार ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, शॉर्ट सिंपल वीडियो, और आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा।